हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी देकर आप सभी का स्वागत करता हूं रेटिना नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहां पर कुछ बच्चों की मेरे पास इंक्वायरी आई थी, कुछ की सूचना आई थी। कुछ ने बोला था कि सर हमें सीसीएच कोर्स की जो तैयारी है वो हमें करना है। तो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि सीसीएच कोर्स जो है क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, इन सब के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा, ठीक है, ताकि आप इजीली जो है इसमें पास हो सके। तो यहाँ पर देखना बच्चों कि यदि आप सीसीएच कोर्स में पास होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो सीसीएच जो कोर्स होता है ये 6 मंथ की ट्रेनिंग होता है। 6 मंथ की ये एक ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में आपको पास होना अनिवार्य है, ठीक है। 6 मंथ का एक ब्रिज कोर्स होता है, 6 मंथ का एक ब्रिज कोर्स होता है, उसे ही आप लोग सीसीएच कोर्स बोलते हैं, सर्टिफिकेट्स इन कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है। तो इसको पास कैसे करना है, तो बच्चों छुट्टियों में ख्याल है, छुट्टियों में आप पास होंगे तो कैसे होंगे, 100% में गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप जो है 100% इसमें पास होंगे, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें यहाँ पर कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। एक जो एग्जाम होता है उसमें कम से कम 5-6 मॉड्यूल्स होते हैं और उन 5-6 मॉड्यूल्स में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 3 होते हैं, एक तो BNS 40-041, एक BNS 042, एक होता है BNS 043। तो यहाँ पर अपन जो मेनली एग्जाम होंगे वो होंगे आपके BNS 041 और BNS 042, ठीक है। तो इनके बारे में आपको बताऊंगा। तो बहुत सारे बच्चे जो है इसमें फेल हो जाते हैं या फिर पास नहीं हो पाते बेचारे, ठीक है। तो उनकी ही कंडीशन को देखते हुए यहाँ पर जो है हम ये जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ब्रिज कोर्स के लिए, मतलब यानी आपके सीसीएच कोर्स जो है उसकी स्टडी के लिए हम ये जो कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें पास होना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज्यादा ईजी है, ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो BNS 41 में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो मैं अभी तो आपको एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इनके अंदर क्या क्या चीजें होती, बहुत ही इजी वे में आप पास होंगे, ज्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ये जो मैं कोर्स कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है, इसकी जो फीस है वो भी बहुत कम फीस है, लेकिन बच्चों ये फीस अगर आप पे नहीं कर पाएंगे या पढ़ेंगे नहीं तो हो सकता है कि CHO आप नहीं बन पाए, ठीक है। इससे पहले मैं बताता हूँ कि CHO कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है, CHO एक बहुत बड़ा कैडर बन चुका है और आने वाले फ्यूचर में CHO की बहुत वैल्यू है, तो आप इसे इग्नोर ना करें। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो है पूरी कम्युनिटी का एक ऑफिसर होता है, एक स्वास्थ्य अधिकारी होता है, ठीक है, यानी 5,000 की पॉपुलेशन में एक अधिकारी होता है, उसी के ऊपर सारा प्रेशर होता है और वही सारी चीजें देख रेख करता है। तो ये आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी जॉब हो जाएगी और यानी एम्स की जो जॉब है वो भी इसके सामने फेल होने के कगार फेल हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फेल होने का मतलब ये नहीं है कि एम्स की नौकरी जो बंद हो जाएगी, वो तो खैर हमेशा चलती ही है, लेकिन ये है कि इसकी वैल्यू जो है बहुत ही एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो है अभी तो आपको 25,000+15,000 ये आपको पेमेंट मिलता है, ठीक है, लेकिन अभी स्ट्राइक चल रही है और अदर स्टेट लाइक बिहार में, पंजाब में, इनके अंदर ये सैलरी जो है 55 करोड़ हो चुकी है। बिहार में जो है ये एक साथ मिलना स्टार्ट हो गया 40,000, है ना, ठीक है। जब ये परमानेंट हो जाएगा तो आपका लगभग ग्रेड पे जो है 4,800 लगभग आपको 72,000 से ऊपर सैलरी को इसमें मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि BNS 41 में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो मैं एक आपको दोनों में से एक का बताऊंगा, फिर बाकी आप जो कोर्स पढ़ेंगे धीरे धीरे आपको पूरी चीजें सामने आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो BNS 41 में आपको पढ़ना है एपिडेमियोलॉजी। तो बच्चों एपिडेमियोलॉजी के यहाँ से लगभग आपके 10 से 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 to 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 10 to 20 क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। हालांकि जिस बच्चे ने जो पढ़ा नहीं है उसके लिए बहुत हार्ड लगता है, लेकिन इसके क्वेश्चन जो आते हैं वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी और साथ में पब्लिक इंट्रोडक्शन और पब्लिक के अंदर क्या क्या चीजें होती है, पब्लिक में डिजीज कैसे फैलती है, तो उन सब के बारे में इसमें होता है, ठीक है। एजेंट किसे बोलते हैं, एजेंट कहाँ से ट्रांसफर होता है, कौन सी होस्ट में वो लाइव रहता है, ठीक है, कौन से एनवायरनमेंट में लाइव रहता है, कहाँ कैसे ये डिजीज ट्रांसमिट करता है, तो इसमें ये चीजें हम लोग पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। दूसरा है बच्चों यहाँ पर न्यूट्रिशन,
न्यूट्रिशन, दूसरा जो आपका जो मॉड्यूल्स है ठीक है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आपको प्रेग्नेंटी कितना देना है, चैडो कितना देना है, लैक्टेशन कितना देना है, लाइक या डायबिटीज पेशेंट उसको क्या डाइट देना है ठीक है, हाइपरटेंशन पेशेंट है तो उसको क्या डाइट आपको देना है, तो ये सारे इसमें फॉलो करना होता है। इसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं ठीक है, लेकिन क्लिनिकल बेस पे क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ा ये हार्ड लग सकता है ठीक है। नेक्स्ट जो होता है बच्चों आपका कम्युनिकेबल डिजीज, कौन सा होता है कम्युनिकेबल डिजीज, तो कम्युनिकेबल डिजीज इससे क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि केवल और केवल कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ते हैं लाइक मेजल्स, रूबेला, मम्स ठीक है, चिकन पॉक्स, ये सब चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन बच्चे इनमें से क्वेश्चन आते हैं लेकिन कम आते हैं, लेकिन कम्युनिकेबल डिजीज का ट्रीटमेंट क्या होगा है ना, वो सब चीज इसके अंदर आती है। कम्युनिकेबल डिजीज का ट्रीटमेंट इम्यूनाइजेशन आपको पूरा ऊपर इसके अंदर आता है ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड इसे क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है, कब आपको देना है, डिजीज में क्या क्या लक्षण होते हैं, यहाँ से ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और होता है आपका यहाँ पर नेक्स्ट जो है कम्युनिकेशन, कौन सा होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में ये है कि बच्चों आप जिस कम्युनिटी में काम करेंगे या फिर आप एक सीएचओ बनेंगे तो जिस कम्युनिटी में काम करेंगे वहां पर आपको सभी लोगों के साथ में कम्युनिकेशन किस तरह रखना है ठीक है, तो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन ऐसा नहीं कि दो चैप्टर का है, ओनली दो पेज का है या दस पेज का है, कम्युनिकेशन एक अच्छे लेवल पे है ठीक है। वर्बली किसे बोलते हैं, नॉन वर्बली किसे, बहुत सारे टाइप इसके, तो सबके बारे में हम लोग बात करेंगे ठीक है। एक्शन में बात कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे ठीक है, एसआर में बात कर रहा है ना लाइक एक्शन एक्शन जो भी है ठीक है, और बात करके बोल उसे क्या बोलेंगे, सारी चीजें हमने सामने है ये ठीक है। लाइक जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो ये एक अलग सा कम्युनिकेशन है, तो इन सबके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे ठीक है, और ये चीजें हैं। देन इसके साथ साथ में नेक्स्ट जो आता है आपका लास्ट में ये है आपका इसमें नॉन कम्युनिकेबल, कौन सी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बच्चे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आपका डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है ठीक है, ये डिजीज कैसी है, ये नॉन कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है ठीक है, तो यानी नॉन कम्युनिकेबल यानी एक पेशेंट दूसरे पेशेंट में नहीं फैलती है ये डिजीज ठीक है। तो ये इसका यहाँ पर डिजीज क्या होती है, इसका मैनेजमेंट मेन इंपॉर्टेंट बच्चों मैनेजमेंट। तो इस तरह यहाँ पर आपका बीएनएस 41 में बस ये पांच चैप्टर है, पांच टॉपिक है, इनसे ही पूरे क्वेश्चन आते हैं, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता। अगर किसी बच्चे को जीरो बीएनएस 041 में पास होना है तो 100% में गारंटी के साथ बोल रहा हूँ एक भी बच्चा जो है इसमें फेल नहीं हो पाएगा ठीक है। जो मैं आपको यहाँ पर हम लोग जो मटेरियल प्रोवाइड करेंगे वो मटेरियल जो है एक अच्छे लेवल का मटेरियल होगा ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको लगभग क्वेश्चन दूंगा, मैं लगभग 1500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो 1500 क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है ठीक है, और आपके पास में एक महीने का टाइम है, इसी महीने के अंदर पूरी चीजें आपको डिस्कस करनी है ठीक है। लाइक बच्चों इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे फीस करके फीस कितने होगी बच्चों, फीस ओनली 3000 रुपए होगी, 3000 फीस होगी ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों ने बोला कि सर 3000 तो बहुत फीस है, लेकिन मैंने बोला कि 3000 तिजोरी में रख लेंगे तो सीसीएस कोर्स आपका जो है रह जाएगा, आप फेल हो जाएंगे ठीक है। और जो ये ना जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैंने फर्स्ट टाइम फेल हो चुके हैं, सेकंड टाइम फेल हो चुके हैं, थर्ड टाइम भी हो चुके हैं, किसी को फोर्थ टाइम मौका मिल रहा है, हालांकि फोर्थ टाइम मौका किसी को नहीं मिलता लेकिन किस्मत मिल जाए ठीक है, लास्ट थ्री टाइम मौका मिलता है ठीक है। तो यानी 3000 को तिजोरी में रखने से अपने को ये 3000 बचे रहेंगे, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन आपका सीसीए जब क्वालिफाइड हो जाएगा डायरेक्ट आपको 40000 सैलरी पे होगी है ना ठीक है, और एक आप एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कहलाएंगे ठीक है। तो ये ज्यादा फीस नहीं है ठीक है, लेकिन ये है कि मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपको 100% आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ जो मैं बताऊंगा इसमें इस थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर सारे इसी से आएंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा ठीक है, क्योंकि रेटिना नर्सिंग अकेडमी हमेशा आपसे वादा करता है तो उस वादे को पूरा करता है ठीक है, ये 100% में गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ठीक है। तो आप लोग जो है जो भी बच्चे अगर यदि मान लो रेटिना नर्सिंग अकेडमी के सीसीएच कोर्स से अगर जुड़ना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं ठीक है, तो आप लोग जो व्हाइट कलर की जो पट्टी दे रखी है, कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं स्क्रीन पे, उस पे आप कॉल करें ठीक है, और आप लोग पूरी जानकारी प्राप्त करें ठीक है। आप लोग व्हाट्सएप नंबर भी बात कर सकते हैं 9672509743, नीचे 43 नंबर है ठीक है, उस पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करें, पूरी जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच।